हेलो जी, आज हम बात करने वाले सेटअप के बारे में कि कैसे आप अपने एक्शन कैमरा को हेलमेट पे सेटअप यानी माउंट कर सकते हैं। एक्शन कैमरा कोई भी हो सकता है, गोप्रो ले लो, एसडी कैम ले लो, नॉइस के एक्शन कैमरा आते हैं और सौमी के साइज एक्शन कैमरा आते हैं, कोई भी एक्शन कैमरा हो, तो कैसे आप अपने हेलमेट पे माउंट कर सकते हैं, बट मैं आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, और जिन लोगों को ये वीडियो अगर पसंद ना आए तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अभी जितने लोग बचे हुए हैं आप देख सकते हैं मेरा चैनल। हाँ जी, तो ये रहा मेरा हेलमेट, सैनिटाइजर को रख देते साइड। तो ये रहा मेरा हेलमेट। अच्छा, हेलमेट के बारे में कुछ बता दूं, इसके साथ साथ ही पहले मैं बता देता हूँ आप कुछ, एक एमसी मार्कर और एक है माउंट। ओके, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलमेट जो है ये थंडर है स्टड्स का, और इसके बेहतरीन बात मेरे को एक चीज़ लगती है, वो क्या लगती है मैं बताता हूँ। वो लगती है ये जो कवर है, ये दिखा दूँ मैं, ये असल में होता क्या है, जब हम एक्शन कैमरा पे माइक अटैच करते हैं और उसको अंदर से लगाते हैं, तो यहाँ कुछ भी फॉर्म या कुछ भी लगाते हैं लोग, मतलब ऐसा DIY करते हैं, तो इस पे क्या होता है ना कि हवा जाती नहीं है, मैंने वैसे इसलिए ले लिया था। ये अच्छा भी है, मेरे बजट में काफ़ी महंगा हेलमेट नहीं है, ये है 1500 का, 1500 का है, और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको ये पड़ेगा 1750 का मोटा मोटा। ओके, तो अब कर लेते हैं माउंट की बात। ये था हेलमेट के बारे में जो भी है, माउंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ये माउंट है, ये घूमता है इस टाइप से। अच्छा, ये माउंट मैंने इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पिछले बार हेलमेट पे लगाया था ना, वो थोड़ा सा माउंट टेढ़ा हो गया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा था। इस बार भी हो सकता है, मैं ऐसा कोई परफेक्ट आदमी हूँ नहीं, बट इसीलिए ये लगाया है, अगर कहीं भी टेढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको घुमा फिरा कर मतलब सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माउंट को लेना है, हेलमेट पे लगाना है, एंड उसके बाद उस पर मार्क करना है कि कैसे लगेगा, मतलब आपको पहले पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ और एक बार माउंट लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगाना है यहाँ, ठीक यहाँ पे, तो मैं पहले कर लूंगा इसे मार्क। तो ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कुक कर दिया है ये माउंट, मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे करके। तो अभी अपन को क्या करना है कि एमसील खोलना है ही। ओके, इस इन दोनों को फाड़ना है, इन दोनों में अलग अलग चीजें आती हैं, इन दोनों को लेना है साथ में, इन दोनों को करना है मिक्स। अच्छा, जब तक ये मिक्स होता है इन दोनों को, लेकिन अच्छे से मिक्स करना होता है, लेकिन जब तक ये मिक्स होता है तब तक मैं आपको एक चीज और बता दूं। हमारा कुछ दिनों पहले आया था एसजी कैम का माइक, यानी हमने माइक मंगा लिया है मोटू ब्लॉक के लिए, बट आपको कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी उसका छोटी सी वीडियो, और उसका माइक टेस्ट भी उस टाइम मैंने कर लिया था कि सही है कि नहीं है। तो आप जाइए वहाँ, तब तक ये होता है मिक्स, उसके बाद मैं आप लौट कर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे करते इसमें माउंट। ठीक है, तब तक के लिए वहाँ जाएंगे। तो फाइनली अपन का कुछ सामान आया है, उसको लेने जा रहे हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले आया है मेरे पास ये माइक, मैंने वैसे अनबॉक्स कर लिया इसका, वो देख लिया होगा। अब देखते हैं इसमें लगा कर कि ये माइक चलता है कि नहीं। ओके, तो बात यह है कि इसको ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ओके, तो ये रहा इसका माइक, और देखते हैं कि ये कैसी आवाज़ कर रहा है। वैसे मेरे हिसाब से आवाज़ अब अच्छी आ जानी चाहिए, और इसको देखेंगे अभी लैपटॉप में। ठीक है, अच्छा, आपने ये तो देख लिया है कि माइक आ गया, सब चीज़ हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये माउंट है, इस माउंट के बेस का जो माउंट का जो बेस वाला हिस्सा है, इसमें मैं ज़्यादा थोड़ा सा इसको ऐसे रखूँगा ताकि बेस में ज़्यादा एमसील लगे, और पहले मैं करके दिखाऊंगा। ओके, तो आपको चाहिए पहली नुकीली चीज जिससे आप जो एक्स्ट्रा माउंट के बाहर जो निकल रहा है एमसी, इसको निकाल सके, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा वो हो जाता हार्ड। ओके, तो फाइनली ये हो गया सेटअप तैयार।
इसको थोड़ी देर हम सूखने देंगे, उसके बाद हम इसमें SGKM लगाएंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो माइक है वो अटैच कर सकते हैं, इस पे कैसे लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सूखने के बाद हो चुका है अच्छे से माउंट, मैं पहले आपको दिखा दूंगा। तो ये हो चुका है अच्छे से माउंट, थोड़ा सा टाइम और लगेगा बट अभी के लिए फिलहाल अच्छा है। तो ये रहा मेरा SGKM और ये रहा माइक, और मैं इसको सेटअप करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन अभी टेम्परेरी सेटअप करते हैं, बाद में सही से मैं इसको लगा दूंगा। बस तो ये रहा कुछ इसका ऐसा सेटअप, और जो मैं इसमें करने वाला हूँ, ये जो माइक लगने वाला है ये लगेगा यहाँ अंदर और ये लगेगा बाहर से, बट अभी देखते हैं कैसा जुगाड़ होता है, मुझे खुद पता नहीं है कि कैसे करना है। तो सपोज अब ये ऑन भी नहीं है, ये लगा। अच्छा, माइक की सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये एकदम फ्लेक्सिबल है, इसको तुम कुछ भी कर सकते हो ये, और ये मुड़ता है, तो ये सबसे अच्छी बात है जो कि हमारे सेटअप में काम आएगा, आना भी चाहिए। करके लगाया है यहाँ, अच्छा मैं यहाँ लगा रहा हूँ, असल में मैंने बाद दिया है, काफी लंबा माइक है तो वैसे तो मैंने बाद रखा है। बाद क्या है, एक वायर है, आप कोई भी वायर ले सकते हो उसमें, वैसे तो इसमें जो आता है पहले से बांधने का, अब मुझे पता नहीं उसे बोलते क्या, अब इसको ऐसे कर सकते हैं। और मैं पहले लगा रहा हूँ फिर देखा। तो ये रहा SGKM, यहाँ से लगा है माइक ऐसे अटैच करते हुए, और मैंने कर रखा अटैच, कैसे दिखाऊं, यहाँ पे। तो ये रहा इसका माइक, मैंने अभी जुगाड़ करके टेप से लगा रखा है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा इसका माइक और ये यहाँ पे, और ये ऐसे SGKM। तो गाइस ये है हमारा सेटअप, और कैसी आवाज़ आ रही है आप बताइए। और इसके बाद शाम को, अभी तो अपन की क्लासेस है, शाम को पता चलेगा कि ये जब मोटो व्लॉग करेंगे तो इसमें आवाज़ कैसी आएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी निकल रहे हैं हम मार्केट को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था, सही आ रहा है, बस अपन की बाइक थोड़ी नीचे है तो आगे की सिर्फ क्या बोलते हैं दो आँखें वो आ रही, और जो कि मुझे घूर रही है ये आगे की दो आँखें। कृपया बाइक पे ध्यान ना ही दे तो बेहतर है, बाकी क्या है। तो ब्रोस तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही था, इसी के साथ करते ब्लॉग एंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।